नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापा मारा, देर शाम गिरफ्तारी हुई। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी, हमारे कहिए तो वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, इसका उत्तर जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि संजय सिंह गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो है इसमें मुखर होकर अपनी बात नहीं रख रहा है, तो क्या ऐसा है कि वाकई में क्या कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा संजय सिंह को? अगर ऐसा है तो क्यों है, क्या वजह है इसके पीछे? किसलय संजय सिंह की गिरफ्तारी को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और संजय सिंह को, जैसा कल हम बात कर रहे थे, संजय सिंह कोई साधारण नेता नहीं है। संजय सिंह कोई हल्के कद के नेता आज की तारीख में नहीं है। नहीं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं की रहस्यमयी चुप्पी बनी हुई है इस पर, जो लोग इक्का दुक्का लोग बोले हैं उनकी बात मैं बताऊंगा, लेकिन बड़े नेताओं की जिस तरीके से रहस्यमयी चुप्पी बनी हुई है वो वाकई में सवाल खड़े करती है कि आखिर कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है। अब आप इसको देखिए, हुआ ये कि कांग्रेस के नेता जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने कल कहा, कल बयान दिया, गिरफ्तारी के ठीक बाद कैमरे पर आए, उन्होंने बयान, जो बयान दिया वो बयान अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ बता रहा है। अरविंदर सिंह लवली जब सामने आए कैमरे पर तो उन्होंने कहा कि भी किसी भी तरह की अनियमितता का कांग्रेस समर्थन नहीं करती है। अच्छा, अरविंदर सिंह लवली ने ईडी की कार्रवाई पर, एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने एक तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी को, शराब घोटाले में संजय सिंह की अरेस्टिंग को जायज ठहराया। अच्छा, अब आप इसके पीछे की वजह समझिए। कांग्रेस के सामने शराब घोटाले के मुद्दे पर न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ये बताना चाहती है, कांग्रेस ये दावा करना चाहती है कि जो शराब घोटाला हुआ है, इसकी जो जांच हुई है, इस पर जो कार्रवाई हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की भूमिका है। कांग्रेस के आंदोलन, कांग्रेस नेताओं की डिमांड के बाद ये कार्रवाई हुई है, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं जाना चाहती। और आपको पता ही है कि दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो राइवलरी है, जो विवाद है, भाई दिल्ली में तो दिल्ली में तो कांग्रेस को हटा के ही ना आम आदमी सरकार बनाई थी, है ना, तो दोनों की राइवलरी तो है ही। और अभी पिछले बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं, मतलब महीने दो महीने तो देख ही रहे हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर किस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, मतलब तनाव की बातें हो रही है। तो एक तो ये राइवलरी भी है कि भाई अगर गठबंधन में हैं, एक गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है, तो क्या करेंगे हम, कौन कौन लड़ेगा दिल्ली, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी करेगी हम लड़ेंगे, कांग्रेस कर रही है कि हम लड़ेंगे। और अभी देखिए पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां अभी पिछले दिनों कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं सुखपाल खैरा, उनको ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया। हाँ, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी इंडिया अलायंस में, कांग्रेस भी इंडिया अलायंस में, और वहां कांग्रेस के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी हो गई आम आदमी पार्टी के राज में। अब बात समझ रहे हैं, और यहाँ जो है ना संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, तो कांग्रेस के सामने समझिए तो इस समय धर्म संकट की स्थिति में है कि हम कहां तक जाएं, हमारी क्या लिमिटेशन हो, हम किस लिमिटेशन तक जाकर संजय सिंह का समर्थन करें। बस समझ रहे, हालांकि इंडिया गठबंधन में प्रियंका चतुर्वेदी हैं शिवसेना की, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। प्रियंका गांधी का भी बयान आया है मनोज जी, प्रियंका गांधी भी आज धार में थी, तो उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला लेकिन इंडायरेक्टली कहा कि भाई ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई मध्य प्रदेश के नेता, मतलब बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इस तरह की बात प्रियंका गांधी कहना चाह रही थी। लेकिन राहुल गांधी का बयान मान लीजिए, अब इतने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, अब संजय सिंह आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल कराना, ले जाने में संजय सिंह की बड़ी भूमिका थी। अच्छा, अब जिस तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से लोग कन्नी काट रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर इसकी इसकी स्थिति क्या होगी, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी का पोजिशन क्या होगा, ये बड़ा बड़ा सवाल है। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि संजय सिंह कोई साधारण नेता तो है नहीं, संजय सिंह आज की तारीख में मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद, संजय सिंह आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली और पंजाब दो स्टेट में रूल कर रही है, वहां उस आम आदमी पार्टी के नंबर दो नेता है संजय सिंह, मतलब कल गिरफ्तारी से पहले तक, अभी का नहीं पता मुझे, लेकिन कल गिरफ्तारी से पहले तक वो नंबर दो नेता
कहे जा रहे थे, माने जा रहे थे, अब नम हाँ आम आदमी पार्टी में जो दो स्टेट में रूल कर रही है, अब अगर उनकी गिरफ्तारी हो रही है और उनकी गिरफ्तारी पर लोग बोल नहीं रहे हैं, तो आप एक तरीके से मान के चल सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति इस वक्त नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा, ये आप बार बार कह रहे हैं, कल भी जब हमारी बातचीत हुई तो आप एक जो सेंटेंस बार बार आप रिपीट कर रहे हो, ये कह रहे हैं कि संजय सिंह मामूली नेता नहीं है, मामूली नेता नहीं है, बड़े नेता हैं। तो ये तो हमारे दर्शक भी जानते हैं कि भाई आपके दिग्गज नेता हैं और राज्यसभा से सांसद हैं, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड क्या है ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो आप इसको समझिए कि संजय सिंह जो हैं यूपी के रहने वाले, यूपी के रहने वाले, ठीक है, अमेठी जिले में उनका जन्म हुआ है, ठीक है, जन्म जो हुआ है उनका अमेठी जिले में हुआ है, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश जो हुई है सो सुल्तानपुर में हुई है। अमेठी और सुल्तानपुर आसपास का जिला है, आसपास ही लगा हुआ है यार। और संजय सिंह, हम लोग तो चूंकि इस प्रोफेशन में है तो हम लोग संजय सिंह का नाम जानते हैं पहले से, कि संजय सिंह अन्ना आंदोलन में आए और उसके बाद फिर जब आम आदमी पार्टी बनी तो संजय सिंह उसमें नेता बने, और समाजवादी पार्टी में थे पहले, वो पहले समाजवादी पार्टी की पहले थे समाजवादी पार्टी के, हाँ बहुत पहले, जब अब लौट वहाँ आते हैं ये सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर में इनके माता पिता जो है ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये शिक्षक बैकग्राउंड से हैं इनके माता पिता, है ना, रिटायर हो चुके हैं, तो इनके माता पिता सुल्तानपुर में थे, तो इनकी परवरिश सुल्तानपुर में हुई, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, धनबाद में इंजीनियरिंग की नौकरी कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन अब होता है ना कि आप आदमी जब छात्र राजनीति में होता है या फिर जब सोशल उसका जो दिमाग उस तरीके से काम करता है सोशल वर्क में, तो संजय सिंह इसी मतलब कॉलेज के जमाने से ही सोशल वर्क में बड़ा वो इंटरेस्ट लेते थे, तो धनबाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी इंजीनियरिंग की। अच्छा। और फिर सुल्तानपुर आ गए, सुल्तानपुर आने के बाद एक सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता थे उनके संपर्क में आए, हाँ। और फिर वहाँ उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी अपनी पैठ बनाई, अपना पैठ जमाया, है ना, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सुल्तानपुर में संजय सिंह रक्तदान अभियान, सुल्तानपुर छोटा जगह है, वहाँ जो है ना रक्तदान का अभियान चलाया, समझ रहे, रक्तदान के अभियान से बड़ा चर्चित हुए वहाँ सुल्तानपुर में। अच्छा, उसके बाद आप जानते हैं कि इसके बाद जो रोड किनारे ठेला पटरी लगाता है ना, सब्जी उब्जी बेचता है, फल फूल बेचता है, तो आप छोटे शहरों में जाएंगे, बड़े शहरों में भी, तो उनका एक यूनियन होता है। अच्छा, उनका एक यूनियन होता है, 100-200 दुकानें होती है, सब्जी विक्रेता समथिंग समथिंग ऐसा उसको नाम जो है ना, हाँ, म्युनिसिपैलिटी वाला परेशान ना करे, उसको जो है ना लोकल बॉडी परेशान, गुंडे परेशान ना करे, तो उसके लिए एक उनका यूनियन होता है, संघ बन गया, हाँ। तो हाँ, तो संजय सिंह सुल्तानपुर में उस यूनियन के लीडर थे, बताइए, हाँ, उनके लिए काम, ये तो बड़ी अंदर की बात बता रहे हैं जो कि कहीं छपी या लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, हाँ, मतलब तो मतलब वहाँ उनके लिए काम करते थे। अच्छा, हाँ, मतलब उनकी रुचि इस तरह से समाज सेवा में, इस तरह के, तो मतलब सुल्तानपुर में बड़ा लोकप्रिय थे। बाद में उन्होंने एक एनजीओ बनाया, एक एनजीओ भी बना के, एनजीओ के हिसाब एनजीओ बना के वो आजाद सेवा समिति नाम का एनजीओ बनाया, और उस एनजीओ की सहायता से अपना काम धाम करने लगे, वहाँ काम धाम करने लगे, चूंकि एनजीओ में थे तो एनजीओ के जरिए हुए फिर अरविंद केजरीवाल, फिर अन्ना हजारे इन लोगों के संपर्क में आए। अच्छा, ठीक है, तो इस संपर्क में आने से पहले 2001 के आसपास का मामला है, 2000-2001 के आसपास का मामला होगा, कि उस समय जो है ना बीजेपी की सरकार थी यूपी में, तो सुल्तानपुर में चूंकि ये संगठन में जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर के नेता हैं, उनके उनके साथ राजनीति करते थे, ठीक है, तो वहाँ इनको इन पर जो है ये एक मुकदमा भी हुआ। अच्छा, हाँ, मुकदमा हुआ, मुकदमा किस चीज़ का हुआ, तो मुकदमा हुआ बिजली पानी को लेकर आंदोलन चल रहा था, जैसे मैंने बताया ना कि रेहड़ी पटरी वालों का आंदोलन चल रहा था, तो इसी आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन में जो है ना ये पहुंच गए, तो इन पर आरोप लगा सरकारी काम में बाहर डालने का, तो अभी इसी साल उस पर फैसला आया है। अच्छा, तो संजय सिंह उसमें दोषी करार दिए गए हैं। अच्छा, उनको 3 महीने की सजा और 1500 रुपये का जुर्माना भी मिला था, उस केस में भी जमानत पर थे वो, मतलब एक केस में ऑलरेडी जो है ना वो जमानत पर चल रहे थे, दूसरे केस में वो अंदर गए हैं, ठीक है, तो वो उस समय की बात बता रहा हूँ, तो जब उस समय आंदोलन उन्होंने थे, फिर एनजीओ बनाया, एनजीओ बनाने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के संपर्क में आए, और उसके बाद 2011-12 के बाद उनका जो ग्रोथ हुआ है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, उसके बाद फिर 18 में वो राज्यसभा के एमपी बने, फिर पंजाब वंजाब के प्रभारी रहे पार्टी में, और इस वक्त मतलब टीवी पर आने वाला, जैसे कल भी मैं बोल रहा था, टीवी पर आने वाला, अपनी बात बताने वाला, पार्टी की बात रखने वाला, है ना, सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाला, एक बड़ा हिंदी बेल्ट का बड़ा चेहरा बन चुके थे, ठीक है, अपने संजय सिंह जो है, ठीक है। मनोज जी, आज का आखिरी सवाल, तो सर आज का जो आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संजय सिंह
के लिए ईडी ने जो है 10 दिन की रिमांड मांगी थी कोर्ट से, फिर कोर्ट ने बिल्कुल 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। तो आखिर ईडी जो है वो संजय सिंह से क्या जानना चाहती है, क्या पूछताछ करने वाले, क्या जानकारी ईडी को चाहिए, बड़ा शॉर्ट में और संक्षेप में जरा बताइए। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि दिनेश अरोड़ा नाम का एक आदमी आया, कारोबारी कारोबारी आया, उसके संपर्क में थे, वो सरकारी गवाह बन गया, उसी के बयान के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। तो ईडी इसके और तह में जाना चाहती है। अब ईडी ने जो आज अदालत में रिमांड लेने के लिए जो अर्जी लगाई उसमें कहा कि हमको इनसे और जानकारी चाहिए, और उसमें जो बातें ईडी की तरफ से कही गई है, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग में बताया गया, उसमें कहा गया कि संजय सिंह और ये जो अरोड़ा हैं 2017 से एक दूसरे को जानते हैं और पैसे के लेन देन में इनका इन्वॉल्वमेंट है। इनके लोगों, मतलब संजय सिंह के लोगों तक दिनेश अरोड़ा ने पैसे पहुंचाए हैं। अच्छा, तो ये सब मनी ट्रेल जो है इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए, इसके बारे में घोटाला, बड़ा लंबा लंबा इन्वॉल्वमेंट है, तो इन सब चीजों को हमको जानकारी चाहिए, तो इसके लिए हमको इनकी रिमांड दीजिए। सर्वेश मिश्रा का भी एक नाम आ रहा है। हाँ, सर्वेश मिश्रा का नाम आ रहा है। ये सर्वेश मिश्रा जो है इनके लोग हैं, मतलब संजय सिंह के स्टाफ में माने जाते हैं। हाँ। संजय सिंह के स्टाफ में माने जाते हैं सर्वेश मिश्रा। तो ऐसा कहा था कि सर्वेश मिश्रा को पैसे दिए गए, अच्छा, जो स्टाफ हैं संजय सिंह के स्टाफ, उनको पैसे दिए गए उनके द्वारा, दिनेश अरोड़ा के द्वारा। हाँ। तो मतलब ईडी इन्हीं कड़ियों को खंगालना चाहती है, कि जानना चाहती है, तो इसीलिए कोर्ट को उन्होंने दलील पेश की। और फिर उसके बाद जो मनोज जी, एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आज कोर्ट में संजय सिंह ने भी अपनी बात रखी, तो उन्होंने ये कहा कि ये अचानक से जो है मेरा नाम कैसे आ गया, अरोड़ा जी ने भी पहले भी बयान अपने दर्ज करवाए हैं लेकिन मेरा नाम उन्होंने नहीं लिया, मेरा नाम भूल गए थे वो लगता है, अचानक से उन्होंने मेरा नाम कैसे ले लिया। यानी उन्होंने इशारा किया कि ईडी जानबूझ के दबाव बनाकर अरोड़ा से कह रही है कि भाई आप नाम लो, क्या ऐसा भी कुछ है क्या ईडी की तरफ से? एक जो है जैसे कल ही बात कर रहे थे, तो ईडी ने इस केस की जांच, शराब घोटाले की जांच शुरू की है पिछले साल सितंबर महीने में। हाँ, सीबीआई जांच कर रही थी, ठीक है, सीबीआई को जांच मिल गया था, लेकिन जब मनी ट्रेल का पता चला तो इस पर ईडी ने जांच की थी। ईडी ने जांच शुरू की पिछले साल सितंबर महीने में, तो उसके बाद ईडी ने जो बयान लिए, उस बयान में दिनेश अरोड़ा जब सरकारी गवाह बन गया, तो सरकारी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने के बाद इनका नाम लिया। अच्छा, ठीक है, तो बीच में नाम आया था, बीच में संजय सिंह का नाम खुल के आया था कि भाई चार्जशीट में उनका नाम है, ठीक है ना, लेकिन चार्जशीट में नाम नहीं था, नाम था बयान में, जो बयान दिनेश अरोड़ा ने दिया है, दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया उस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई। अच्छा, समझ रहे, ठीक है, तो उस आधार पर गिरफ्तारी हुई है। और फिर जो 2022 में ईडी ने इसकी जांच की, जांच शुरू की, तो धीरे धीरे करके धीरे धीरे करते ईडी जब पुख्ता तौर पर हो गया कि भाई नहीं, इनको गिरफ्तार करना है, इनसे और पूछना है, तब जाके कल गिरफ्तारी इनकी हुई। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपने जाना कि भाई ईडी अब क्या पूछताछ करने वाली है संजय से। इसके अलावा आप ये भी समझें कि क्या संजय सिंह को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा है, क्या कांग्रेस और आपके बीच अभी भी कहीं मतभेद है, कहीं तल्खियां हैं। बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, इसके बारे में कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।